गुड मॉर्निंग गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो रात को मैंने यहाँ पे डाली थी स्लीप, तो आप देख सकते हो मेरे नीचे चल रहा है हाईवे और मैं करेंटली हूँ न्यू ब्रंसविक पे। तो सामने ये बना हुआ है ट्रक स्टॉप, तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्क कर दिया था अपने ट्रक को और करेंटली यहाँ पे हो रहा है -25 डिग्रीज। तो हमारी ड्राइव ऑलमोस्ट रह गई है 8 आवर्स की, तो हम लोग 8 आवर्स में पहुँच जाएंगे फेरी लेने की जगह पे। तो उस लोकेशन से हम लोग फेरी लेंगे न्यू फाउंड लैंड के लिए। तो लेट्स गो, करते हैं अपनी ट्रिप को आज स्टार्ट। -30 डिग्रीज हो रहा था और करंटली यहाँ पे हो रहा है अबाउट -25। बहुत ज़्यादा ठंड थी रात में। एक ट्रक स्टॉप बना हुआ है हिल के ऊपर और इस प्रोविंस को कहते हैं न्यू ब्रंसविक। तो इसके बाद हम लोग अब नोवा स्कोशिया में एंटर होंगे, जहाँ से हम लोगों ने फेरी लेनी है न्यू फाउंड लैंड के लिए। कर लेते हैं लेफ्ट टर्न और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे हाईवे 2 पर। तो राइट से एक गाड़ी आ रही है, उसका वेट कर लेते हैं। ये गाड़ी चली गई है और अब हम लोग बना लेते हैं लेफ्ट टर्न। फाइनली मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच गया हूं जहां से हम लोगों ने लेनी है फेरी को। तो आप देख सकते हो सामने, तो वो सामने 3 फेरीज खड़ी हुई यहां पे और हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगी ऑलमोस्ट 2 आवर्स में। तो आप ये देख सकते हो सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं इधर, तो हमारा ट्रक वो खड़ा हुआ है। तो अबाउट 2 आवर्स के अंदर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम लोग जाएंगे न्यू फाउंड लैंड यहाँ से। तो फिर चलते हैं ट्रक में, वहाँ पर जाके हम लोग रेस्ट करते हैं। तो फिर जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हम लोग लेके जाएंगे अपने ट्रक को फेरी के ऊपर। तो अबाउट 7 आवर्स की यहाँ से 7 to 9 आवर्स लगते हैं यहाँ से फेरी को। तो भाई ये सारे ट्रक्स आप देख रहे हो, तो ये सारे ट्रक्स फेरी पे जाएंगे। काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे लगी हुई। तो फिर और यहाँ पे लाउंजेस बने हुए हैं, जिसने यहाँ पे रेस्ट करना है तो यहाँ पे जाके रेस्ट कर सकता है। तो हम लोग चलते हैं ट्रक पे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे किस तरह होगी हमारी फेरी की जर्नी। तो ये आप देख सकते हो हमारा ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया था रात को और अब हम सुबह हो गई है, तो रात वाली फेरी चली गई थी। तो एक फेरी अब जाएगी यहाँ से 11:45 AM पे। तो अबाउट 2 आवर्स रह गए, तो हमारी हो जाएगी फिर बोर्डिंग स्टार्ट।
के बाद हमारा नंबर होगा। तो आप पीछे देख सकते हो मिरर पे, तो सारे ट्रक्स पीछे चले गए फेरी पे। तो अब ये सारे ट्रक हट गए इंक्लूडिंग मी। तो हम लोग जाने लगे हैं। वाली पार्किंग में, तो यहाँ पे ट्रक को करेंगे पार्क। हम लोग ने कर दिया है अपने ट्रक को पार्क, देख खेले थे फुल लॉग बुक को कर देते हैं भाई ऑफ ड्यूटी, लाइट टर्न ऑफ कर लेते हैं, फिर अपना सामान यहाँ से पिक कर लेते हैं और चलते हैं अंदर। तो गाइस हम लोगों ने सामान उठा लिया अपना और हम लोग जाने लगे हैं अंदर। चेक इन कर लिए और हम लोग अपने रूम में जाएंगे। तो ये हमारा रूम नंबर है 8131, कार्ड को इंसर्ट। तो गाइस ये है मेरा रूम, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो ये कैबिन है, तो यहाँ पे दो सिंगल बेड्स हैं और आप देख सकते हो ये सारा। तो यहाँ से एक विंडो लगी हुई है बाहर के व्यू के लिए। तो ये आपको चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, रेडियो भी बना हुआ है, लाइट्स आपके लिए, टीवी लगा हुआ है। उसके बाद फिर आप जब यहाँ पर आते हो तो ये एक शावर है, तो अपना पर्सनल वॉशरूम है शावर के साथ। तो चलते हैं बाहर और करेंगे अब शिप को एक्सप्लोर। तो मैं आपको दिखाता हूँ शिप में क्या क्या है। तो फिर ये है हमारी कोई लॉबी है, जैसे कि आपको पता है। वही ये स्टेयरकेस बनी हुई यहाँ पे, तो चलते हैं ऊपर। Beautiful view. तो ये
रेस्टोरेंट एक बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बना हुआ है, तो ये सारा कुछ है एरिया। रिजर्व सीटिंग्स भी अवेलेबल है और ये इनकी मेन्यू है। यहाँ पे एक ये कैफे बना हुआ है रेस्टोरेंट, तो ये सारी चीज़ें भाई यहाँ पे, ड्रिंक्स वगैरह स्नैक्स। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो इधर चेक इन का एरिया था। तो ये भाई स्टोर्स बने हुए यहाँ पे, तो वो रेस्टोरेंट है ऊपर। तो यहाँ पे भाई कंप्यूटर्स रखे हुए हैं जिन्होंने कंप्यूटर्स यूज करने हैं। तो देख सकते हो गिफ्ट शॉप्स बनी हुई हैं, बार बना हुआ है, रेस्टोरेंट्स, गिफ्ट शॉप्स, वॉशरूम्स। आ गए हम लोग ऑन द डॉक, तो आप देख सकते हो भाई ये हम कर रहे हैं क्रूज। तो आप देख सकते हो सारे ट्रक्स नीचे खड़े हुए हैं। तो ये भाई क्रूज शिप है, तो यहाँ से हमें लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 hours। तो भाई शिप के टॉप पे एक यहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी लैंड होते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये एक हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पे। तो गाइज आपने देखा ऊपर का टूर, तो चलते हैं नीचे। तो चलेंगे नीचे, न्यूफाउंडलैंड आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये आ गया भाई हमारा रूम वापस। तो गाइस फाइनली हम लोग अराइव हो गए हैं न्यूफाउंडलैंड में। तो बैग उठा लेता हूँ मैं अपना और हम लोग कल नीचे चेकआउट के लिए। तो रिटर्न कर लेंगे कार्ड को। Yeah? I have to make an announcement first. Okay, we have to wait here, right? Yes, got it. Yeah. So guys, करने लगे हैं हम लोग अब exit ferry को। तो आ जाएंगे हम लोग वापस रोड पे। फेरी पे हम लोग आए थे तो ये लोग उस पर वापस जाने के लिए वेट कर रहे हैं। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स हैं यहाँ पे। फाइनली हम लोग पहुँच गए अपनी डिलीवरी लोकेशन पे। तो ये एंट्रेंस है जगह की। ट्रेड चले जाएंगे रूम के आगे से आएंगे तो पीछे फैक्ट्री बनी हुई है जहाँ पे हम लोगों ने मशीन्स को डिलीवर करना है। तो ये जगह है। थोड़ी थोड़ी स्नो हो रही है और करंटली -5 degrees हो रहा है बाहर।
तो करंटली मैं हूँ न्यू फाउंड लैंड में और ये फैक्ट्री बनी हुई है, तो हम लोगों ने इधर चले जाना है, तो हो जाएंगे हम लोग यहाँ से एंटर। वहाँ पे हम लोग ले जाएंगे ट्रक को, कर देंगे पार्क, तो वो लोग करेंगे फिर ऑफ रोडिंग वहाँ पे। तो ये पहुँच गए भाई फैक्ट्री में। तो गाइज राइट नाउ मैं हूँ डिलीवरी साइट पे, तो जैसा कि आप देख सकते हो इन लोगों ने मंगवाया हुआ है क्रेन, क्योंकि इनके पास प्रॉपर फोर्कलिफ्ट इक्विपमेंट नहीं था, तो ऑफ रोडिंग हो गई है स्टार्ट और ये है डिलीवरी लोकेशन। तो ये लोग देख सकते हो आप सामान उतार रहे हैं क्रेन से, तो बस ऑफ रोडिंग होने वाली है कम्प्लीट, तो उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से वापस। तो गाइज आज का व्लॉग करते हैं इधर ही एंड, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारी फेरी की राइड। तो इसी तरह की वीडियोस अगर आपने फ्यूचर में और भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को थम्स अप ज़रूर करना। तो फिर करते हैं आज का व्लॉग इधर ही एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।